अफगानिस्तान में इस वक्त दहशत है, लोग पलायन कर रखे हैं, भारत के अलग अलग राज्यों से लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं। ऐसे में हिमाचल और उत्तराखंड सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि फंसे हुए भारतीयों को जल्द ही स्वदेश लाया जाएगा, प्रयास जारी है। अफगानिस्तान में तालिबान के राज के बाद दुनिया के कई देशों में तालिबानी कानून की चर्चाएं शुरू हो गई। लोकतंत्र को ताला लगाकर, लोगों की आजादी पर बंदूक का पहरा लगाकर तालिबानी लड़ाके मौज मस्ती करने में मशगूल दिखे, लेकिन जो विदेशी लोग अफगानिस्तान की धरती को कर्म भूमि बनाकर जिंदगी को आगे बढ़ा रहे थे, आज उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। यही टेंशन हिमाचल के उन दो युवकों के परिजनों की भी है, जिनके लाल अफगानिस्तान में हुए हाल बेहाल के बाद काबुल के खूनी माहौल के बीच फंसे हुए हैं। ये दो तस्वीरें हिमाचल में मंडी जिले के सरका घाट के रहने वाले युवकों की हैं, जो कि काम की तलाश में अफगानिस्तान की गलियों में किस्मत आजमाने गए थे, लेकिन राहुल बुराड़ी और नवीन ठाकुर नाम के इन दोनों युवकों की जिंदगी में आई मुश्किलों ने इनके वक्त को रोक सा दिया। अब इन दोनों युवकों के परिजनों को सरकार से आस है, जो कि फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता राज से निराश है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तक इन दोनों युवकों के परिजनों की पुकार पहुंची, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी भरोसा दिलवाया है। ये दो लोगों की सूचना है और एक के परिवार से हमारा दो बार संवाद भी हो गया। आज वो परिवार का मुझे फोन आया था उनका कि वो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, सुरक्षित हैं, और हमने केंद्र के साथ भी इस सिलसिले में बातचीत की है। केंद्र पहले ही बहुत एक्टिव होकर के वहां से जितने भी ऐसे लोग हमारे भारत के फंसे उनको निकालने की कोशिश। यही हाल हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड का भी है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों की भी सांसें अटकी पड़ी है। उत्तराखंड के भी 140 लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरपोर्ट से चंद दूरी पर ही होटल में रह रहे उत्तराखंड के लोग अपनी व्यथा वीडियो के जरिए भी बयां कर चुके हैं। अपनी वतन वापसी के लिए कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं। देखिए सर, इतने बंदे हम लोग यहाँ पर फंसे पड़े हैं, ठीक है। अब हमको निकालने वाला है, अब कोई नहीं, किससे बात करें, क्या करें, कुछ नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, अब हम किससे बात करें, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। बस यही वीडियो हमारा सारा है, तो प्लीज जैसे भी करके हम लोग को यहाँ से निकाले। इंडिया गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि हम जैसे भी है, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। पता नहीं तालिबान बोल तो रहा है ऐसा वैसा बोल रहा है, लेकिन इनको हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ उनके घर में भी दहशत का माहौल है, चिंता और भय से घिरे लोग परेशान है। लेकिन अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बड़ा आश्वासन दिया है। ट्वीट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, अफगानिस्तान में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों को सकुशल स्वदेश लाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। केंद्र सरकार ने भी हमें यह आश्वस्त किया है कि अफगानिस्तान में फंसे हर भारतीय को सकुशल स्वदेश वापस लाना उनकी प्राथमिकता में है। सरकार ने प्रयास तो तेज कर दिए हैं, लेकिन अब भारतीय नागरिकों की वतन वापसी कब होगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अफगानिस्तान में फंसे लोगों के परिजनों की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज, धर्मशाला से मनोज धीमान के साथ देहरादून से नासिर हुसैन, खबरें अभी तक।